मेरा नाम सुभी है। मैं अपनी जेठानी के कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर का नज़ारा मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ अंदर से मुझे बातों की आवाज़ आ रही थी, जो मेरी जेठानी मेरी ननद के साथ बात कर रही थी। कमरे के अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो किसी मर्द की थी, मगर यह इंसान कौन था जिसके बोलने की आवाज़ मुझे आ रही थी, मैं इस आवाज़ को नहीं पहचानती थी। कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की से मुझे सिर्फ बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद मेरी जेठानी ने कमरे की लाइट ऑन की, तो यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि अंदर कोई मर्द आया हुआ था। इसके बाद जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ मैंने सुना उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जो कुछ मैंने सुन लिया था उसके बाद तो मेरे लिए खुद को संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मैं चाहती थी कि मुझे कोई सहारा देने वाला मिल जाए ताकि मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दे। जिस खामोशी से मैंने कमरे का नज़ारा देखा था, इतनी ही खामोशी से मैं वहाँ से पलटकर अपने कमरे में चली आई थी। अपनी जेठानी के कमरे से मेरे कमरे तक का सफ़र तय करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि 10 कदम की दूरी पर मेरा कमरा बना हुआ था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे प्रेग्नेंट होते ही न जाने मेरा पति मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। मेरे पास मेरा अपना कोई भी मौजूद नहीं था जिसे मैं अपनी परेशानी के बारे में बता सकती थी या फिर इस सच्चाई के बारे में बताती। मेरी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन अब मेरा डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ चुका था। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, अगर मैं किसी और के मुंह से सुनती तो शायद मैं कभी यकीन नहीं कर पाती, मगर मैंने अपने ही कानों से सुना था, इसीलिए मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मैंने जो कुछ भी सुना है वो गलत नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी। मैं शहर में रहती थी और मेरी शादी हमारे शहर से कई किलोमीटर दूरी पर बने हुए एक छोटे से गांव में हुई थी। मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से किया हुआ था। मैं हर काम में बहुत परफेक्ट थी, मगर मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी मेरे साथ इतना मजाक करेगी कि मैं बेवकूफ़ बनकर रह जाऊँगी। मेरी उम्र 25 साल थी। सुना था कि गांव में जल्द ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, मगर मेरा होने वाला पति अपने घर वालों से यही डिमांड करता था कि उसे शहर की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इसीलिए उसकी भाभी और बहन अपने भाई के लिए शहर की लड़की देखने पर मजबूर हो गई थी। मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर रहे थे, मगर फिर मेरे पापा के एक दूर के रिश्तेदार ने मेरे पति के रिश्ते के लिए बताया था। वो मेरे पति और उसकी फैमिली को अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए लड़के वाले हमारे घर मुझे देखने के लिए आ गए थे। मेरे मम्मी पापा को जब पता चला कि यह रिश्ता गांव से आ रहा है, इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था, मगर हमारे दूर के रिश्तेदार की ज़्यादा जिद पर पापा को एक बार लड़के वालों से मिलने की चाहत जाग रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे देखने के लिए भी यहाँ पर बुला लिया था। मैंने शहर में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बहुत खुलकर एंजॉय किया था, पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती थी। मेरी फैमिली भी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मुझे फुल आज़ादी दी जाती थी। मैं अपने घर वालों के साथ में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रही थी। जब लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए तो पापा को लड़का और उसकी फैमिली अच्छी लगी थी। जब उन्होंने अपने गांव का नाम बताया तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मेरे पापा उस गांव में आते जाते थे। इसीलिए उनका कहना था कि वो आँख बंद करके इस गांव में अपनी बेटी की शादी कर देंगे, क्योंकि यह गांव बहुत सादे और सिंपल लोगों का गांव है। यहाँ के लोग अपने घर की बहू बेटियों को बहुत खुश रखते हैं और ना ही गांव में किसी चीज़ की रोक टोक है। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया था। अब मैं अपने पापा की जिद के आगे कुछ भी नहीं कह सकती थी। लड़का देखने में बहुत अच्छा था, उसकी फैमिली छोटी थी, उसके सिर्फ एक छोटी बहन और एक भैया भाभी थे। उसके माता पिता इस दुनिया से विदा ले चुके थे। सुना था घर भी बहुत बड़ा है और लड़का अच्छी नौकरी भी करता है। नौकरी करने के लिए वो शहर में ही आता है। उसके पास अपनी गाड़ी है। वह सुबह को अपने घर से निकलता है और रात के 8 बजे तक घर वापस आ जाता है।
इस तरह मुझे रिश्ते के बंधन में बांध दिया गया था। मेरा रिश्ता शुभम नाम के लड़के के साथ तय किया गया था और मेरे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। दोनों ही परिवार हमारे रिश्ते से बहुत खुश थे। मैं देखने में खूबसूरत थी, इसीलिए लड़के के घर वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। मैं शादी होकर जब अपने ससुराल आई तो गांव देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, क्योंकि मैंने तो कभी गांव देखा ही नहीं था। मुझे शादी जैसे बंधन में बांध दिया गया था। एक रिश्ता जिसमें जिम्मेदारी की गठरी बांध कर औरत को बड़ी सावधानी के साथ कदम उठाने पड़ते हैं। मेरे ससुराल में मेरी छोटी ननद और जेठ जेठानी के अलावा और कोई भी नहीं था। उन्होंने बहुत मोहब्बत और प्यार से मुझे अपने घर में रखा हुआ था। मुझे अपने पापा की बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था कि उस गांव में बहु बेटियों को खुश रखा जाता है। यह बात बिल्कुल सच थी। मेरी जेठानी ही इस घर में मेरे लिए बड़ी थी। घर में उनका ही फैसला चलता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और गांव के हर रस्म रिवाज के बारे में भी वो मुझे एक एक बात बताती थी। मेरी ननद मेरे पति से छोटी थी। वो अपने ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि उनका पति बाहर विदेश में काम करता है और वो अपने पति के साथ विदेश नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने मायके में ही रहती थी। लेकिन मैं जब से शादी होकर यहाँ आई थी, मैंने उनको गुमसुम देखा था। उसके पति को गए हुए अभी 3 महीने ही हुए थे, जबकि मेरी शादी को 1.5 महीना होने वाला था। वो मुझे बहुत परेशान से दिखाई देती थी और जब भी मैं उससे पूछने की कोशिश करती तो वो मुझे टाल दिया करती थी। मेरी ननद बहुत अच्छी थी। वो बिल्कुल भी चालाक नंदों के जैसी नहीं थी। मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहुत इज्जत किया करती थी, क्योंकि मैं उसकी छोटी भाभी जो थी। एक दिन वो किचन में मेरे साथ काम करते हुए रोने लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, मगर मैंने उनसे जबरदस्ती पूछना चाहा कि बताओ ना पूनम, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे बताओ, तो मुझे अपनी हर बात बता सकती हो। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम मुझे बताने में हिचकिचा रही हो। और मेरी बात सुनकर मेरे करीब बैठकर रोने लगी थी। वह कह रही थी कि भाभी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि आप भी तो यहाँ अभी नई नई आई हो, लेकिन इस गांव में एक अजीब सा रिवाज है कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके पति को उसे छोड़कर जाना होता है। उसका पति उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है और ना उसके सामने आ सकता है। अगर पति अपनी पत्नी के सामने आ जाता है तो गर्भवती औरत का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। मेरा पति भले ही मुझसे दूर है, मगर मैं उससे बातचीत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दे, क्योंकि मैं अपने पति से दूर तो एक मजबूरी की वजह से रह रही हूँ, मगर उससे बात किए बिना नहीं रह सकती। और ना ही मैं अपने बच्चे को मरा हुआ देखना चाहती हूँ। और मुझे टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो मुझसे सारे संबंध खत्म ना कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे बात करना भी बंद कर दे। अपनी ननद की बातों ने तो मुझे डरा कर रख दिया था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। और ये सब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे छोड़कर जाए और मुझसे बातचीत करना बंद कर दे। मैंने इस बात को कंफर्म करने के लिए अपनी जेठानी से पूछा था कि यह बात सही है या नहीं, क्या गांव में सच में ऐसे रिवाज है। तो मेरी जेठानी ने कहा था कि हाँ पूनम, बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा भी जब बेटा होने वाला था तो मैं और तुम्हारे जेठ जी ने कुछ ऐसा ही किया था। वो मुझसे दूर चले गए थे और पूरे 9 महीने तक ना उनकी मुझसे कोई बात हुई थी और ना ही वो मेरे सामने आए थे। और जब मेरा दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था तो मुझे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए तंग आकर मैंने तुम्हारे जेठ जी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। और पूरे 9 महीने बाद जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो मरा हुआ पैदा हुआ था। ये बात और ये रिवाज बिल्कुल सही है। ऐसा ना करने पर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, इसीलिए हर गर्भवती औरत के लिए इस रिवाज का पालन करना जरूरी है। अपनी जेठानी की बात सुनकर तो मैं अपनी ननद की बात से भी ज्यादा डर गई थी, और मेरा यह डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब मेरी ननद के पति ने उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया था। मेरी ननद का पति दोपहर को और रात के समय में अपनी पत्नी को कॉल जरूर करता था और दिन में 1-2 बार वीडियो कॉल पर भी बात किया करता था। लेकिन जब उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, तब से उसने अपने पत्नी को ब्लॉक कर दिया था। ना तो वो उससे बात कर रहा था और ना ही उसने अपनी कोई खबर अपनी पत्नी को पता चलने दी थी। ऐसा होने से मेरी ननद बहुत टेंशन में रहने लगी थी और बहुत ज्यादा रो रही थी।
मेरी ननद की कंडीशन बहुत खराब थी। मैं भी उसकी हालत देखकर बुरी तरह से परेशान हो गई थी। अब मुझे तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपने पति से बात करूंगी। जब मेरे पति रात को घर आए तो मैंने उनको अपनी जेठानी और ननद की बताई हुई एक एक बात बता दी थी और यह भी कहा था कि पूनम के पति ने उनसे सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर दिए हैं। प्रेगनेंसी के समय हर पत्नी को अपने पति की जरूरत होती है, लेकिन पूनम प्रेग्नेंट है और उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया है। ये बात सुनकर मेरे पति ने मेरे चेहरे की तरफ देखा था और खामोशी से खाना खाने में बिजी हो गए। मुझे शुभम का बिहेवियर देखकर बहुत हैरानी हुई थी कि उन्हें अपनी बहन के साथ ऐसा होने की कोई परवाह नहीं है, जबकि उनकी बहन का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया है। मैंने अपनी सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजार दी थी, क्योंकि मुझे टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी हालत अपनी ननद पूनम के जैसे बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपने पति से दूर नहीं होना चाहती थी। इसीलिए मेरे पति जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करते तो मैं उन्हें मना कर दिया करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी प्रेग्नेंट हूँ। अपने पति के बिना रहने के बारे में सोच करके मुझे डर लगता था। अगली सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी। डर की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी, इसीलिए मैं सुबह सवेरे ही घर की साफ सफाई करने में लग गई थी। तभी मेरी ननद कमरे से निकलकर बाहर आई तो मैं उसे देखकर चौंक गई थी। उसका हुलिया कुछ बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपने पति की याद में बेहाल हो गई होगी। पति उसका गया था, मगर मुझे उसकी टेंशन में सारी रात नींद नहीं आई थी, तो फिर उस बेचारी पर इस समय क्या बीत रही होगी। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन उभरे हुए थे और वो मुझे पूछ रही थी कि भाभी आप इतनी सुबह सुबह साफ सफाई क्यों कर रही हैं। मैंने पूनम से कहा कि मुझे तो तुम्हारी परेशानी में सारी रात नींद नहीं आई। ये सुनकर पूनम कहने लगी, भाभी यह तो इस गांव की रीत है, मैं खुद को इस काम के लिए तैयार कर चुकी हूँ, आप मेरी वजह से खुद परेशान मत हो। मेरी ननद की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था कि कोई भी औरत प्रेग्नेंट होते हुए अपने पति के बिना कैसे इस कड़े समय को पार कर सकती है। लेकिन मेरी ननद तो हमेशा से ही इसी गांव में रही थी। इस गांव में उसका मायका था और यहीं पर ही करीब में उसके ससुराल भी थे। उसके ससुराल में कोई नहीं था, उसका पति अकेला था। इसीलिए अकेले होने की वजह से वो उसे पिछले एक महीने पहले अपने उसके मायके छोड़ गया था, ताकि वो घर में अकेली न रह सके। लेकिन अब उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया था सिर्फ एक रीत की वजह से, इसीलिए उसके लिए यह बात कोई अनोखी नहीं थी। लेकिन मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं किसी भी हाल में शुभम को अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगले दिन शुभम ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैंने साफ साफ शब्दों में उन्हें कह दिया कि मैं आपके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती। मैंने अपनी जेठानी से कह दिया था कि पूनम से घर का कोई काम नहीं करवाना, घर के सारे कामकाज मैं खुद देख लूंगी और वो ऐसी हालत में सिर्फ आराम करे, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। इस समय उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा। मेरी बात मानकर मेरी जेठानी ने घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थी। घर का हर छोटा बड़ा काम मैं खुद कर रही थी और पूनम को भी टाइम पर खाना और फ्रूट्स दिया करती थी। शुभम का बिहेवियर दिन पर दिन मेरे साथ बिगड़ता जा रहा था। शायद इसकी वजह यही थी कि मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया था। वो देर रात तक घर आते थे और जब घर आते तो मुझसे बिना बात किए ही करवट लेकर सो जाते थे। लेकिन शायद मेरे भाग्य में आजमाइश लिखी हुई थी और 10 दिन के अंदर ही मुझे यह बात पता चल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने ये बात छुपा ली। अपने पति को भी मैंने इस बारे में कोई खबर नहीं होने दी थी और अपने घर में भी किसी को यह बात नहीं बताई। मैं जानती थी कि इस घर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे डर था कि अब यही बात किसी को भी पता चली तो कहीं मेरे पति मुझे छोड़कर ना चला जाए। मैंने इस बारे में अपनी मम्मी से फोन पर बात की थी। मेरी मम्मी मुझे अपने घर काफी दिनों से मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन मेरा कहीं भी जाने को मन नहीं कर रहा था। मैंने मम्मी को कॉल पर सब कुछ बता दिया था। मेरी मम्मी मेरी बात सुनकर कहने लगी, यह तो गांव की बड़ी ही अजीब रिवाज है। मम्मी कहने लगी कि कहीं तुम्हारी जेठानी ने या तुम्हारी ननद ने तुम्हें कुछ झूठ तो नहीं बताया है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, पूनम के चेहरे से मुझे लगता है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती और मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी औरत है। उन्होंने भी इस रिवाज की वजह से अपना एक बच्चा खो दिया था, तो फिर वो झूठ कैसे बोल सकती हैं। मेरी मम्मी ने कहा था, चलो अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मगर मैं परेशान थी। इस बारे में मैंने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था।
लेकिन मेरी जेठानी एक तजुर्बेदार औरत थी। मेरी बदलती हुई तबीयत ने आने वाले कुछ ही दिनों में उन पर सच्चाई खोल दी थी और यह बात जानकर उनकी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, हमारे आंगन में भी फूल खिलेगा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने अपनी जेठानी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने आपसे यह बात इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सुबह मुझे छोड़कर ना चला जाए। मेरी जेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, बस खुश रहा करो। मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे और उस समय तो मेरी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। जब देर रात तक मेरे पति घर वापस नहीं आए थे और जब यही बात मैंने अपने जेठानी को बताई तो उन्होंने मेरे जेठ जी को पति को ढूंढने के लिए घर से बाहर भेज दिया था और उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि कहीं शुभम को इस बारे में पता तो नहीं चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी और रोते चली जा रही थी। मेरे जेठ जी को घर से गए हुए बहुत टाइम बीत गया था, ना तो वो वापस आए थे और ना ही मेरा पति वापस आया था। मेरी जेठानी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि अपने कमरे में जाकर आराम करो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। 2 घंटे बाद जब मेरे जेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि उनका भाई उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है। अपने जेठ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं जब से शादी होकर इस गांव में आई थी, मैंने इस गांव की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं घर की 4 दीवारी में ही रही थी। मेरी जेठानी कहती थी कि गांव की औरतें घरों में रहना पसंद करती हैं और यहाँ ज़्यादा मिलने जुलने का भी रिवाज नहीं है। मुझे अपने घर वालों की भी बहुत याद आ रही थी क्योंकि शादी से लेकर अब तक मैं अपने मायके नहीं गई थी और शुभम के इस तरह से गायब हो जाने के बाद तो मुझे अपना घर और भी ज़्यादा याद आ रहा था। मैंने अपनी जेठानी से मायके जाने के लिए कहा था कि मैं अपने पति के बिना इस घर में वक्त नहीं गुजार सकती, मैं अपनी सारी प्रेगनेंसी का टाइम अपने मायके में रहकर गुजार दूंगी और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो यहाँ आ जाऊंगी, इस तरह मुझे मेरा बच्चा और पति दोनों ही मिल जाएंगे। मेरी जेठानी ने कहा, तुम अभी प्रेग्नेंट हो और इस दौरान अगर तुम सफर करोगे तो तुम्हारी प्रेगनेंसी पर फर्क पड़ेगा, इसीलिए तुम यहीं रहकर बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने मायके होकर आना। मेरे लिए इस घर में अपने पति के बिना टाइम गुजारना एक एक पल एक एक साल के बराबर लग रहा था। मैं सारा दिन घर के काम काज में बिजी रहती थी और अपने पति को याद करते रहती थी। मैंने अपने पति का नंबर भी ट्राई करने की कोशिश की मगर उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, मेरे पति का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरे जेठ जी तो शुरू से ही कोई काम नहीं करते थे। जिस दिन से मैं इस घर में आई थी मैंने अपने जेठ को काम पर जाते हुए नहीं देखा था, जबकि वो हट्टे कट्टे थे और मेरी जेठानी नंद घर के बाहर नहीं निकलती थी। इतने दिनों से मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी घर के हालात बहुत अच्छे थे। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हुई थी और हमेशा मैं इस बात को लेकर हैरान हो जाती थी कि इस घर से कोई ज्यादा बाहर नहीं आता जाता है तो फिर इस घर में सारी जरूरतों की चीजें कैसे आ जाती हैं। मेरे जेठ जी भी अपने कमरे से तभी बाहर निकलते थे जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती थी, वरना ज्यादातर अपने कमरे में ही आराम करते थे। मेरे जेठ को अकेले रहने की आदत थी, इसीलिए मेरी जेठानी और मेरी ननद का एक ही कमरा था, जबकि मेरे जेठ जी का रूम अलग बना हुआ था। मेरी ननद पूनम का हर सुबह अजीब सा हुलिया मेरी आंखों में खटकता था, लेकिन मैं चाह कर भी उनसे कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें हमारे घर चली आईं। मेरी जेठानी ने कहा, तुम अपने कमरे में अंदर ही रहना और उनके सामने बिल्कुल भी मत आना, तुम नई नवेली दुल्हन हो और ऊपर से प्रेग्नेंट भी हो, यह लोग अपनी बातों से तुम्हें और ज्यादा परेशान करके रख देंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुँचे। कभी मैं ये सोचकर बहुत खुश होती थी कि मुझे मेरे जेठानी के रूप में बहन मिल गई है, वरना इन हालात में तो मेरे लिए जिंदा रहना ही मुश्किल था। घर के कामकाज करते करते और शुभम की जुदाई में तड़पते हुए मैं बहुत कमजोर हो चुकी थी, जबकि मेरी ननद दिन पर दिन खिलती चली जा रही थी। मैं उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी और टाइम पर उसको खाना भी दिया करती थी। मेरी ननद ने कहा था कि भाभी आप इसलिए कमजोर हो रही हो क्योंकि आप बेटे को जन्म देने वाली हो और मैं इसलिए सेहतमंद और अच्छी हो रही हूँ क्योंकि मैं बेटी को जन्म देने वाली हूँ। हमारे गांव में यही कहा जाता है कि जो औरत बेटे को जन्म देने वाली होती है वो दिन ब दिन बदसूरत होती जाती है। आज गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी।
बराबर में मेरे पति के सोने की जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी और मेरी आंखें उनको देखने के लिए बेताब थे। मैं अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठी और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मैं धीरे से उठी और कमरे से निकलकर आंगन में आ गई थी। मैंने सोचा कि कुछ देर तक आंगन में इधर उधर टहल लेती हूँ ताकि ताजी हवा लगने से मेरा दम घुटना बंद हो जाए और मुझे ठीक महसूस होने लगे। मेरी तबीयत अगर ठीक हो जाएगी तो मैं थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी, वरना यहीं पर एक कोने में बैठ जाऊंगी, क्योंकि बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी इसीलिए अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं बहुत सावधानी से कमरे से बाहर निकली थी क्योंकि मेरी जेठानी ने मुझे कमरे से बाहर रात में खुले आंगन में आने से सख्त मना किया हुआ था। वो हमेशा कहती थी कि ऐसी हालत में जब तुम प्रेग्नेंट हो तो रात के 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकला करो, प्रेग्नेंट औरत पर जल्द ही काले जादू का असर हो जाता है। मेरे लिए तो अपनी जेठानी की बात पत्थर की लकीर होती थी क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मेरी भलाई के लिए ही बात करती हैं। लेकिन आज मुझसे किसी भी हाल में यह घुटन बर्दाश्त नहीं हो रही थी और जैसे ही मैं आंगन में आई तो मुझे अपनी जेठानी और ननद के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मेरे अंदर एक अजीब सा इंटरेस्ट जागने लगा था क्योंकि वो लोग कहती थी कि हम 9 बजे तक सो जाते हैं, तो फिर आज कैसे जाग रही थी। मैंने सोचा शायद पूनम की तबीयत ठीक नहीं होगी, वो भी तो मेरी ही तरह प्रेग्नेंट है। इसीलिए जब मैं कमरे के करीब पहुंची तो मुझे हल्की हल्की बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी जेठानी किसी से बात कर रही थी। मैंने अपने जेठ के कमरे के तरफ देखा तो वो भी अपने कमरे में सो रहे थे, मगर अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो रात के इस समय किस मर्द से बातें कर रही थी। मैं उनके कमरे की खिड़की के पास गई। खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई थी इसीलिए मुझे उचक कर खिड़की के अंदर झांकना पड़ा। शायद कमरे के अंदर मौजूद लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इस तरह आधी रात को कमरे से निकलकर उनकी बात भी सुन सकती हूँ। इसीलिए वो लोग बेफिक्र होकर बातें कर रहे थे और जो कुछ मैंने सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अंदर से आने वाली आवाज को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन अपनी आंखों से उन चेहरों को देखना चाहती थी और शायद अब मेरी आजमाइश का समय खत्म हो चुका था। इसीलिए अचानक मेरी जेठानी ने कुछ देर के लिए कमरे की लाइट ऑन कर दी थी और मैंने उन लोगों को भी देख लिया था जिनके बारे में मैं बात सुन रही थी, और मैंने उस मर्द का भी चेहरा देख लिया था जो कमरे के अंदर मौजूद था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा खेल भी मेरे साथ खेला जा सकता था। मेरे पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने ही थे जिन पर मैंने हद से ज्यादा भरोसा किया था। उन्हीं लोगों ने मेरे हंसते हुए संसार को उजाड़ दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने कमरे में आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने अपने कानों से अपनी जेठानी को कहते हुए सुना था कि बस एक बार इस बेवकूफ लड़की का बच्चा पैदा हो जाने दो, इसके बाद मैं इसे और इसके पति को इस घर से और इस गाँव से ऐसे निकालूंगी जैसे दूध में से मक्खी को निकाल देते हैं, और तो और ये लोग दोबारा पलटकर कभी इस घर में नहीं आ सकेंगे। इतने में कमरे से उस मर्द की आवाज़ निकली थी जो कोई और नहीं बल्कि मेरे ननद का अपना पति था। उसने मेरे जेठानी से कहा कि आपको यकीन है कि ये लड़की और इसका पति इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा पति मेरी ननद का सौतेला भाई है। मेरी जेठानी कह रही थी कि मैंने और पूनम ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शादी के पहले ही दिन से हम दोनों ने उस बेवकूफ लड़की को अपनी छोटी मोहब्बत के जाल में बांधा हुआ है, और वो ना समझ यही समझती है कि मैं उसे अपनी बहन की तरह प्यार करती हूँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। लेकिन सच तो यह है कि मुझे अपने सौतेले देवर और उसकी पत्नी से इतनी नफरत है कि मैं बता भी नहीं सकती। मैंने शुभम के दिल में पहले से ही उसकी पत्नी के लिए नफरत डाल दी थी और उसे बता दिया था कि उसकी पत्नी शहर की पागल और सरफिरी लड़की है जो कभी कभी बहकी बहकी बातें भी करती है, और उसके घर वालों ने झूठ बोलकर हमारे सर पर उसे बांध दिया है। मैंने कभी भी सुभी को गांव वालों से मिलने जुलने नहीं दिया ताकि जब मैं उसे पागल साबित करूं तो वो कुछ ना कहे, और जब हकीकत गाँव वालों के सामने आएगी तो वो खुद समझ जाएंगे कि यह लड़की पागल थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सुभी इतनी बेवकूफ़ होगी। वो शहर की इतनी चालाक और पढ़ी लिखी लड़की होते हुए भी हमारी बातों में आ गई और आसानी से बेवकूफ़ बन गई।
तभी मेरी ननद पूनम हंसने लगी और कहने लगी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी, वो सच में बहुत बेवकूफ है। जब मैंने उसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मेरी बात को आसानी से यकीन कर लिया, और यही बात जब उसने शुभम को कही तो शुभम ने उसे पागल समझ लिया। और जब मैंने और भाभी ने शुभम के कान में यह बात डाल दी कि आपकी पत्नी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, तो उसने हमारी बात पर यकीन कर लिया था। लेकिन जब सुभी ने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो समझ गया था कि मेरी पत्नी सच में पागलों जैसी बातें कर रही है, वो बेवकूफ़ लड़की है, मेरी बहुत सेवा करती है और साथ साथ घर के भी सारे काम करती है। उसने हमारी प्लानिंग के मुताबिक खुद ही अपने पति को खुद से दूर कर दिया। हम यही चाहते थे कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में इतनी दूरियाँ हो जाए कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। मेरी जेठानी कहने लगी, जब मुझे पता चला कि सुभी प्रेग्नेंट है तो मैंने खुद ही शुभम को शहर के कामों में बिजी कर दिया और वो कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। मैंने शुभम से कह दिया था कि तुम जाओ और तुम्हारी पत्नी को मैं खुद बता दूंगी, लेकिन मैंने सुभी से यह बात छुपा ली और वो यही समझी कि उसका पति भी उसे छोड़कर जा चुका है। अब मुझे इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि सुभी जब अपने बच्चे को जन्म देगी और मैं उससे उसके बच्चे को छीन लूंगी। और सुभी तो वैसे भी शुभम के जुदाई में आधी पागल हो चुकी है, मैं खुद सुभी को पागल साबित करके उसको उसके मायके छोड़ आऊंगी। सुभी का बच्चा मेरी जिंदगी को इस तरह से सवार देगा कि मेरे अपने बेटे की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे। और मुझे अच्छे से याद है कि सुभी के जाने के बाद शुभम कभी दोबारा शादी नहीं करेगा। इस तरह शुभम की सारी प्रॉपर्टी वो हमारी हो जाएगी। कुछ दिन पहले जब गांव की औरतें हमारे घर आई थी तो मैंने सुभी को उनके सामने नहीं जाने दिया, और गांव की औरतों को भी यही बताया था कि वो पागल लड़की है, उसके घर वालों ने धोखे से हमारे देवर के साथ उसकी शादी कर दी है। मैंने सुभी को गांव के रस्म रिवाज के बारे में इतनी गलत और झूठी बातें बताई है कि वो चाह कर भी कभी खुद को सच्चा साबित नहीं कर पाएगी। मैं अपनी जिस जेठानी को माँ समान और अपनी ननद को बहन समान समझती थी, वो दोनों तो आस्तीन की सांप निकली जो मुझे जानबूझकर मेरे पति से दूर कर चुकी थी, और अब मेरा बच्चा भी छीनने वाली थी। इन लोगों की बातें सुनकर तो मैं अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं बची थी। मेरी जेठानी कह रही थी कि यह प्रॉपर्टी के पेपर्स है, किसी भी तरह से इन पर शुभम के सिग्नेचर करवाने हैं और फिर यह सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और शुभम का इस घर में कोई हिस्सा नहीं बचेगा। वो भी पेपर्स निकालने के लिए मेरी जेठानी ने कुछ देर के लिए कमरे की लाइट ऑन की थी, तभी तो मैं कमरे में मौजूद मर्द का चेहरा देख पाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।